इंग्लैंड के बर्मिंघम में गुरुवार 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के 213 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही भारत को दो बड़े झटके लग चुके हैं, क्योंकि पहले नंबर में भारत के सुपरस्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा चोट लगने के चलते गेम्स से बाहर हो चुके हैं, जिनसे लोगों को मेडल की बेहद उम्मीदें थी। वहीं दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रवाना होने से पहले कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं। वो ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड धारक हैं। इनसे भी भारत को मेडल की बहुत आस थी, लेकिन इस बार भारत के दो सुपरस्टार खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो चुके हैं। गौरतलब है कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल में इस बार 72 देश के 4500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उस दौरान 19 खेलों में 283 मेडल इवेंट्स खेले जाएंगे। वहीं इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल बाद क्रिकेट की भी एंट्री हो रही है।